कुश्ती का काम जब शुरू किया था एज ए गुरु, तो उसमें हमारा एक ही टारगेट था, ओलंपिक मेडल। तो आज तीन तो वैसे ओलंपिक के और तीन वीरेंद्र के अकेले के, तो एक बहुत बड़ा ऐसा शिष्य जब मिल जाता है तो क्या चाहिए। सुनने और बोलने जैसी बुनियादी जरूरत से महरूम रहने के बावजूद भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इन मुश्किलों से पार पाकर बन जाते हैं चैंपियन। लेकिन चैंपियन या हीरो बन जाने के बावजूद भी जिंदगी इम्तिहान लेना नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक चैंपियन है वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने पहलवानी में देश के लिए कई मेडल जीते और जिन्हें दुनिया जानती है गूंगा पहलवान के नाम से। लेकिन वीरेंद्र सिंह क्यों नाराज है सरकार से, आइए जानते हैं इस वीडियो में। पैरा ओलंपिक और डेफ ओलंपिक दोनों एक ही चीज थी, तो पैरा को सरकार ने सारे अधिकार दे दिए जबकि डेफ को अभी अधिकार नहीं दिए गए, जबकि दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं। वीरेंद्र कह रहे हैं सभी प्लेयर को इंडिया में मैं देखता हूँ, सभी को सरकार बहुत प्रोत्साहन करती है, राशि भी देती है, नौकरियाँ भी देती है, पर मेरे साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। मैंने 2005 में पहला मेडल जीता, उसके बाद मैं लगातार हर नेता हर मंत्री से मिला हूँ, पर अभी तक कोई सुनवाई नहीं की है। दिव्यांग लोगों को सारे अधिकार दिए जा रहे, तो वीरेंद्र भी दिव्यांग है तो इनके समान अधिकार देने चाहिए। अब मैं दिव्यांग लोगों के बारे में बता दूँ, देवेंद्र झाझरिया है, उनको खेल रत्न दिया गया, दीपा मलिक जी हैं जो हरियाणा में, उनको कैश अवार्ड के रूप में 4 करोड़ की राशि दी गई, पर क्या वीरेंद्र को क्यों नहीं? ये एक बड़ा रीज़न है कि इससे क्या कमी हो गई कि वीरेंद्र को समान अधिकार नहीं दी जा रही। ये तो कभी तो भगवान ने किया, इसके साथ इसकी कोई कमी नहीं है। हमने हरियाणा सरकार को और भारत सरकार को दोनों को आप देख सकते हो कितने हमने पत्र लिख रखे हैं, पर इनका कोई महत्व नहीं है और इनका नहीं कोई जवाब आता है। आता भी है तो पीएमओ से एक जवाब आया था कि आप स्पोर्ट्स खेल मंत्री से मिलो, उन्होंने कई लोगों से के लिए बोला, पर हम उनके पास गए पर उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं है। इस वीडियो के जरिए हम यही चाहते हैं कि वीरेंद्र की आवाज़ सरकार तक पहुंचे और सही मायनों में जिन चीज़ों के वो हकदार हैं उस पर सरकार की उन्हें पूरी पूरी मदद मिले।